टुडे वी विल डिस्कस मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन. मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन. नाउ वी शुड नो व्हाट इज मॉर्फोलॉजी एंड व्हाट इज एनाटॉमी. मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. एंड व्हाट डू यू मीन बाय एनाटॉमी? एनाटॉमी मीन स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इंटरनल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. Now, what are various morphological and anatomical evidences which explain evolution? First is homologous organs. Homologous organs. Those organs which have same basic structure, may or may not have same appearance. But they will perform different functions. These are called homologous organs. They are further classified into two types. Homoplastic and anaplastic. If they have same appearance, then they are called homoplastic, and if they have different appearance, then they are called anaplastic organs. Now, example. First example is four limbs of vertebrates. Vertebrates means जितने भी vertebrates हैं, चाहे वो birds हैं, mammals हैं, इन सभी के four limbs जो हैं, इनका basic structure same होता है. Basic structure जो होता है वो सेम होता है, यानी कि ये फाइव बोन्स के बने होते हैं. वो बोन्स कौन सी हैं? पहली है ह्यूमरस, दूसरी है रेडियस एंड अल्ना, तीसरी है कार्पल्स, चौथी है मेटाकार्पल्स और पांचवी है फेलेंजिस. ये जो पांच टाइप की बोन्स हैं सभी में ये सेम होती हैं, लेकिन जो फोर लिम्स हैं वो फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म करते हैं. जैसे विंग्स हैं बर्ड्स के, वो फ्लाइंग के लिए यूज होते हैं. हमारे फोर लिम्स हैं आर्म्स हैं, तो ये कैचिंग के लिए, कैप्चरिंग के लिए या कैचिंग के लिए होती हैं. हार्स की फोर लिम्स जो हैं वो रनिंग के लिए होती हैं, एटसेट्रा. तो सभी के विंग्स, आर्म्स और हार्स की फोर लिम्स सभी की क्या हैं? बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, यानी कि पांच टाइप की बोन्स के बने हुए हैं, लेकिन उनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट है. इसको बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल फॉर होमोलोगस ऑर्गन इज नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लेग्स ऑफ इंसेक्ट्स. जो लेग्स ऑफ इंसेक्ट्स हैं इनका भी बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है. ये भी फाइव टाइप ऑफ बोन्स के बने होते हैं, जिनको पोडोमियर्स कहते हैं. बोन्स नहीं कहते, क्या कहते हैं? फाइव पोडोमियर्स. वो कौन से हैं? कोक्सा, ट्रोकेंटर,
फीमर, टिबिया, एंटासस, ये फाइव टाइप ऑफ बोन्स हैं जो लेग्स ऑफ इंसेक्ट्स बनाती हैं। लेकिन लेग्स ऑफ इंसेक्ट्स जो हैं फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर क्रिकेट की देखें, क्रिकेट इसको डिगिंग के लिए यूज करता है। क्रिकेट अपनी लेग्स को किसके लिए यूज करता है? डिगिंग के लिए। ग्रास होपर इसको यूज करता है जंपिंग के लिए। और अगर हनी बी देखें तो इसको फ्रैगिंग के लिए यूज होती है। तो सभी में फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? बिल्कुल सिमिलर। तो ये भी एक एग्जांपल है किसकी? होमोलोगस आर्गन की। जो मैन के टीथ हैं ये सेम बेसिक स्ट्रक्चर इनका सेम होता है, यानी कि एक टीथ में तीन पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट। बट अगर इनके फंक्शन देखें तो इंसिशंस के अपने फंक्शन हैं, कैनाइंस के अपने हैं, प्रीमोलर्स के अपने हैं और मोलर्स के भी अपने फंक्शन है। यानी कि फंक्शन चारों के क्या है? डिफरेंट है, लेकिन स्ट्रक्चर में तीनों क्राउन, नेक और रूट को कंपोज करते हैं। तो ये भी वन एग्जांपल है किसकी? होमोलोगस आर्गन की। तो स्टूडेंट्स, होमोलोगस आर्गन क्लियर हो गया? वो आर्गन्स जिनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होते हैं उनको कहते हैं होमोलोगस आर्गन्स। वी हैव डन थ्री एग्जांपल्स, फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, लेग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड टीथ ऑफ मैन। ओके, क्लियर? This is first evidence, morphological and anatomical evidence. Okay, now we will discuss later on.